बात करने वाले हैं बुक इनर इंजीनियरिंग के बारे में। इसे लिखा है जगदीश वासुदेव जी ने, जिन्हें हम सदगुरु नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस बुक में सदगुरु हमें बताते हैं कि जन्म लेने के बाद से ही हम समाज से बहुत कुछ अच्छा बुरा सीखने लगते हैं, लेकिन बुरे विचार हमारे प्रॉब्लम्स का कारण बन जाते हैं। इस किताब में सदगुरु ने बताया है कि कैसे हमें इन गलत थॉट्स पैटर्न को हटाकर उनकी जगह सही थॉट्स स्थापित करने चाहिए। इसे ही इनर इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसे सीखकर हमारी ज़िंदगी से स्ट्रेस दूर होगा और हम सारे गोल मुस्कुराते हुए हासिल कर पाएंगे। तो चलिए, अब समय है इस बुक के 10 चैप्टर्स को स्टार्ट करने का। ब्रिंग बॉडी माइंड एंड एनर्जी इन हार्मोनी। जब हमारा शरीर मन और एनर्जी एक साथ काम करते हैं, तभी हम निर्वाण प्राप्ति की सोच सकते हैं। इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल हमें जो भी चिंता तनाव और मानसिक विकार है, वह सब इसलिए है क्योंकि हम तीनों में एक सामंजस्य नहीं बैठाते। सबसे पहले मन पर काबू करना सीखें। जब भी दुख, निराशा या असफलता का समय हो, उस समय आप दुख में न डूब जाए बल्कि गलतियों से सीखकर खुद को और मजबूत करें। जैसे एक पेड़ बरसात के मौसम में भी शोक नहीं करता, बल्कि उस समय भी वह मन में संतुष्टि रखता है और धैर्य के साथ वक्त के गुजरने का इंतज़ार करता है। उसे पता होता है कि बसंत भी ज़रूर आएगा और उस पर नए फूल लगेंगे। अपने शरीर का भी हमेशा ख्याल रखें। अच्छा सात्विक भोजन लें, नियमित रूप से योग के आसन अथवा कोई भी एक्सरसाइज करें। आजकल लोग बेहद आराम पसंद हो गए हैं, इसलिए उनमें ओबेसिटी बढ़ रही है। मोटापा बढ़ने से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और तरह तरह की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, गठिया और कैंसर होने लगता है। एक किसान से सीखे, वह सारी उम्र एक्सरसाइज करता रहता है, उसे कभी भी कोई गंभीर बीमारी नहीं लगती। शहरों के लोग काउच पोटैटो बनते जा रहे हैं, दो कदम चलने के लिए भी उन्हें गाड़ी चाहिए। अपनी इन आदतों में सुधार लें और जितना हो सके उतना पैदल चले। अपने अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए उसे कर्म एक्शन की सही दिशा दे। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, जबकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा। कई बार हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे हमें गुस्सा आने लगता है और हम अपराध तक कर डालते हैं। इसलिए इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए किसी अच्छे कर्म की सहायता ले। किसी गरीब बच्चे को भोजन करवा दे, उसे पुस्तक दे। साथ ही मेडिटेशन और प्राणायाम से भी हम नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं। हमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी चाहिए। जब हम ऑफिस से थक जाते हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है। ऐसे में पॉजिटिव लोगों के साथ रहे। जिस व्यक्ति के साथ आप हंस सकते हैं उसके साथ रहे, वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता रहेगा। साथ ही म्यूजिक सुने, ध्यान करें, बगीचे में फूलों को देखें, पक्षियों के गीत सुने। डोंट बिलीव इन थिंग्स यू हैवंट सीन। बहुत बार हम ज्ञानी बनकर ऐसी चीज़ें बोलने लगते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। जैसे हम समाज के कहने पर यह मानने लगते हैं कि दूसरे धर्म के लोग बहुत बुरे होते हैं, जबकि हम उस धर्म के लोगों से मिले तक नहीं होते, उनके कल्चर को भी देखा नहीं होता। लेकिन हम दूसरों की बात मानकर ऐसी नफरत पाल लेते हैं और आग फैलाने भी लगते हैं। इससे सारा समाज ही जहरीला हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान हमें ही होने लगता है। हमें लगता है हमारे आसपास केवल बुरे लोग ही रहते हैं। इस वजह से हम किसी पर विश्वास नहीं करते और हमारी चिंता तनाव बढ़ जाते हैं। इससे हम भी बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, बल्कि चीज़ों को खुद देखें, जांचें, परखें। आजकल के दौर में पेड मीडिया भी लोगों को ब्रेन वॉश करने का काम करता है। जो पार्टी मीडिया को पैसे देकर या दूसरे तरीकों से कंट्रोल करती है, मीडिया उसी के गुण गाने लगता है और विपक्ष को बुरा बताने लगता है। इससे बहुत से अनपढ़ लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है और वे मीडिया के इशारों पर नाचने लगते हैं, लेकिन इसमें ज़रा भी समझदारी नहीं है। ऐसे ही किसी पर लगाए गए झूठे आरोप पर आँख बंद करके यकीन न करें, बल्कि मामले की पूरी जानकारी करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अटेन सेल्फ अवेयरनेस। हम मनुष्यों को सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, अर्थात ये पता नहीं होता कि हमारे कौन से विचार हमारे अपने हैं और कौन से ऑटोमेटिक। जैसे अगर आप किसी ट्रिप पर दोस्तों के साथ न जा पाए तो आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन क्या
सच में यह दुख का कारण होना चाहिए, लेकिन आपने बचपन से लोगों को यही करते देखा होगा। अगर उनकी मनचाही चीज न मिले तो वे दुखी हो जाते हैं, ऐसे ही आपका थॉट पैटर्न बन जाता है। परंतु सेल्फ अवेयरनेस लाई जाए तो आप देखेंगे कि ट्रिप पर न जा पाना कोई दुख का कारण नहीं है। आपके जीवन में अनगिनत अच्छी चीजें होनी बाकी है। आप कभी भी कोई और चीज कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिले। सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए आपको साधना करनी चाहिए, जिसे ध्यान या मेडिटेशन भी कहा जाता है। हर दिन मेडिटेशन करने से आपके दिमाग में फालतू के विचार आना ही बंद हो जाएंगे। फिर जो विचार रहेंगे उन्हें आप साफ साफ देख पाएंगे कि वे सच में रियल है या ऑटोमेटिक। ऐसा करने से आपको बहुत सी चीजों के कारण न दुख होगा न गुस्सा आएगा, बल्कि आपके अंदर शांति स्थापित हो जाएगी। अभी हम बात बात पर दूसरों पर गुस्सा करने लगते हैं। जब सेल्फ अवेयरनेस आती है तो हमें पता चलता है कि गुस्सा होने का कोई कारण नहीं है। इसलिए मेडिटेशन कीजिए और सेल्फ अवेयर हो जाइए, आप संसार के सबसे संतुष्ट व्यक्ति बन जाएंगे। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। खुश रहना हमारी नियत पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि जब उनके पास जॉब, बड़ी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस होगा तभी वे खुश रह पाएंगे। अच्छी जॉब और करियर का पीछा करते करते उनकी आधी जिंदगी स्ट्रेस में ही बीत जाती है। इसके अलावा पैसा खुशी की गारंटी नहीं है। कहने को तो मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके भाई की कंपनी दिवालिया हो गई थी। अगर किसी का भाई बुरे दौर से गुजर रहा हो तो वह व्यक्ति खुश कैसे हो सकता है। इस तरह से पैसा आपको खुशी लाकर नहीं देता, वह तो आपके एटीट्यूड से मिलती है। जैसे एक किसान ज़्यादा पैसे न होते हुए भी खुश रह सकता है, वे गीत गाता हुआ अपने खेत जोत सकता है। इसी प्रकार युवा लोगों को प्रतिदिन खुश रहना चाहिए और खुश रहने के साथ साथ अपने लक्ष्यों के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। अच्छी जॉब और बड़ी गाड़ी के सपने ज़रूर पूरा कीजिए, लेकिन हर दिन जिंदगी को जीना न भूले। छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढना सीखे। डोंट बी टू रैशनल ऑल द टाइम्स। बहुत बार ज़्यादा दिमाग लगाने से हम जिंदगी को पूरा आनंद नहीं उठा सकते। जैसे होली पर कोई यह भी कह सकता है कि रंगों से त्वचा खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसे तर्कों से खुशी का कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जा सकेगा। ऐसे ही ज़्यादा साइंस लगाने से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साइंस हमेशा लॉजिक और एविडेंस पर चलता है, लेकिन ईश्वर साधना हमेशा श्रद्धा विश्वास पर चलती है। बहुत बार बॉलीवुड गानों का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी उदासी के पलों में वे हमारे दिलों में खुशी भर देते हैं। हम उन गानों को गुनगुनाने लगते हैं और उनके साथ झूमने लगते हैं। इसलिए हर चीज़ में लॉजिक और तर्क नहीं देखना चाहिए, बस ऐसे काम हमें खुशी देने वाले हो। द स्पिरिचुअल पाथ इज लाइक अ गेम। जब हम ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं तो तरह तरह के मिथ्स हमें घेर लेती है। कुछ कहते हैं ध्यान लगाने से ईश्वर मिलेंगे, कुछ कहते हैं पूजा पाठ करके मिलेंगे, कुछ बोलते हैं गुरु की शरण में जाने से ऐसा होगा। इसका नतीजा ये होता है कि लोग ईश्वर की खोज करना छोड़ देते हैं। वे कुछ समय तक इन तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन नतीजा न मिलने पर इन्हें छोड़ देते हैं। वास्तव में स्पिरिचुअलिटी एक गेम की तरह है। गेम में आपको तरह तरह की बाधाओं को पार करना होता है। बहुत बार हार भी मिलती है, इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में होता है। बहुत बार आपकी हार होगी, लेकिन ऐसे में आप फिर से कोशिश करना न छोड़ें। जैसे मान लीजिए एक कबड्डी प्लेयर है और वह 10 बार हार चुका है, लेकिन फिर भी वह उस आदमी से कई बेहतर होगा जिसने कभी कबड्डी खेली ही नहीं है। उस प्लेयर की सेहत और तजुर्बा भी ज़्यादा ही होगा। इसी तरह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगे रहे, कोई असर न भी दिखे तो भी आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा और एक दिन आपकी साधना सफल ज़रूर होगी। डोंट अज्यूम एनीथिंग। हमारे अज्ञान का कारण हमारी गलत धारणाएं होती है। यह सब हमने समाज से सीख रखा होता है। बहुत बार हमें लगता है कि दूसरे धर्म के लोग अच्छे नहीं होते और हम उनसे बिना कारण नफरत करने लगते हैं। इसी तरह से हमें लगता है कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती, लेकिन पहनावे से व्यक्ति के चरित्र का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ऐसी महिलाएं समाज में ज़्यादा योगदान दे रही हो।
और पर्दे में रहने वाली महिला झगड़ालू या स्वार्थी हो सकती है, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर अपने अजम्पशन न बना ले। हर आदमी को खुद जांचे परखे। बहुत बार किसी आदमी के खिलाफ भी बहुत से लोग हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आदमी इतना बुरा नहीं है। इसी तरह ईश्वर के बारे में भी है, कुछ कहते हैं कि ईश्वर नहीं होते हैं और कुछ कहते हैं कि होते हैं। ऐसे में आपको खुद अनुभव करना होगा, क्या ईश्वर को मानकर आपको खुशी और संतुष्टि मिलती है? तो ज़रूर उन्हें माने, जैसे आपकी माँ मिलो दूर हो, लेकिन उनके ध्यान मात्र से आपके हृदय में प्रेम बढ़ जाता है। ऐसा ही ईश्वर पर विश्वास रखने वालों के साथ होता है, इससे उन्हें स्ट्रेस या तनाव भी नहीं होते। डोंट थिंक योर सेल्फ एज सुपीरियर। कई बार बहुत से लोग सोचते हैं कि वह ही सही है और उनके विचार सबसे अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर मनुष्य अपने परिवेश के हिसाब से ही चीज़ों को समझता है। जैसे कोई आस्तिक है तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी ईश्वर के प्रति विचारधारा सही है, बल्कि ये देखना चाहिए कि नास्तिक क्या कहना चाह रहा है, उसके पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा आस्तिक लोग धर्म के नाम पर दंगे भी करते हैं, जबकि बहुत से नास्तिक लोग चैरिटी करते हैं। ऐसे में कौन अच्छा हुआ? इसलिए अपनी टांग कभी भी ऊपर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि दूसरी के मत को भी सुनना चाहिए और तर्क के आधार पर ही एक दूसरे को समझना चाहिए और अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। ऑलवेज डू द राइट कर्मा, हमेशा अच्छे कर्म करें। लोगों की भगवान से शिकायत होती है कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, मैंने क्या पाप किए हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि हर दिन वे कुछ न कुछ बुरा ज़रूर कर रहे होते हैं। कभी ऑफिस से पेन या कागज़ चुरा लेंगे, कभी लेट आएंगे और झूठ बोलकर कोई बहाना लगा देंगे, कभी दूसरों की तरक्की से जलेंगे, कभी इधर की उधर करके लड़ाई करवा देंगे, कभी दूसरे धर्म को गाली देंगे। तो इस तरह के बुरे कर्मों में लगकर आप भगवान से कैसे पूछ सकते हो कि मैंने क्या पाप किया है? जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी तरह छोटे छोटे बुरे कर्मों से पाप का घड़ा भी बढ़ता रहता है, और ऐसे में भगवान से दंड ही मिलेगा, न कि उनका आशीर्वाद। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठते समय ही प्रण करें कि आज के दिन अच्छे कर्म ही करेंगे, तभी ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। गेट रिड ऑफ पट, अपनी बोलचाल से लेकिन नाम का बहाना हटा दे। अक्सर हम कहते हैं कि मैं भी एग्ज़ाम में पास हो गया होता लेकिन, या मैं भी उसकी तरह कंपनी शुरू करता लेकिन, तो यह लेकिन ही आपके आगे बढ़ने के रास्ते का सबसे बड़ी रुकावट है। इसके बदले आप कर्म करने की आदत डालें, जितना भी आपसे होता है उतना करते जाए। याद रखें कि कोई भी बड़ा काम समय लेता है, एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप आज पेड़ लगाते हैं तो अगले हफ्ते ही उससे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह आप अपने बिजनेस या ब्लॉग से भी कुछ ही दिनों में फ़ायदे की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको कुछ साल इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, आगे की तरफ ही बढ़े। साथ ही मन में हौसला और आगे बढ़ने की भावना रखें, खुद पर शक और संदेह न करें। इस एटीट्यूड से जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इनर इंजीनियरिंग की समरी से हमने सीखा कि कैसे हम अपने ब्रेन से बुरे विचारों को निकाल कर अच्छे विचार डाल सकते हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज आएगा और आप लाइफ में हंसी खुशी के साथ जी पाओगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और सजेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस समरी को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।